बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अगर अनार हैं तो उनके पीछे 100 बीमार पड़ चुके हैं। कभी लीगल मामले में, कभी मैरिज के इश्यू पर उनको टारगेट करने वाले लोग अब उनकी सोलो रिलीज को भी टारगेट कर रहे हैं। अभी तक ऐसा होता था कि सलमान खान जब भी अपनी मूवी अनाउंस करते थे, बड़े से बड़ा एक्टर भी अपनी मूवी को डिले करता था, बिकॉज कोई भी सलमान खान के साथ क्लैश नहीं करना चाहता था। बट कोरोना एरा के बाद मामला चेंज हो गया है। OTT रूल कर रहा है, छोटे छोटे एक्टर की फिल्में चल रही हैं, बड़े एक्टर्स फ्लॉप हो रहे हैं, फिर चाहे वो अजय हो, अक्षय हो या सलमान खान हो। ऐसे में सलमान खान की अगले साल 2 बड़ी मूवी आने वाली थी जिस पर उनके कैरियर का दारोमदार टिका हुआ है, बिकॉज इससे पहले उनकी राधे अंतिम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। ऐसे में ईद पर उनके आने वाली थी किसी का भाई किसी का जान और दिवाली पर टाइगर 3। अब दोनों ही फिल्मों पर किसी ने नज़र लगा रखी है। टाइगर 3 को लेकर तो हम सब जानते हैं कि वो साथ अक्षय कुमार की मराठी डेब्यू मूवी उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन टाइगर 3 होगी, यानी महाराष्ट्र में, नॉर्थन इंडिया में, साउथ में अक्षय कुमार सलमान खान की मूवी को टक्कर देंगे और नुकसान भी पहुंचाएंगे। बट अभी तक ये खुशखबरी थी कि किसी का भाई किसी का जान ईद पर सोलो रिलीज होगी, बट यहाँ पर भी नज़र लगा चुका है साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा मेकर। हालांकि उनकी इस मूवी को टक्कर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय की मूवी है जिसका नाम है PS2। PS1 यानी पोन्नियन सेल्वन तमिल की अब तक की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल कामयाब मूवी है जो करीब 500 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और Part 2 को लेकर पूरे देश में एक मोमेंटम बना हुआ है। PS1 ने तमिल के अलावा हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम और बाहर की कंट्री में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए मणिरत्नम की इस मूवी को लेकर Part 2 में एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। और इस मूवी की रिलीज डेट जो चुनी गई है Part 2 के लिए, वो चुनी गई है 28 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल को सलमान खान की मूवी रिलीज होगी ईद के दिन और अगले हफ्ते होगी PS2, यानी ईद पर उनको सिर्फ 1 वीक की विंडो मिलेगी, जो कि उनकी मूवी के साथ सीधा क्लैश तो नहीं है बट उनकी मूवी को काफ़ी हद तक डेंट करेगा, डैमेज करेगा, बिकॉज 1 वीक की विंडो में बहुत कलेक्शंस नहीं हो पाते। इसके अलावा सलमान खान की मुसीबतें कम करने के लिए साउथ से एक और सुपरस्टार आगे आ चुका है, उनका नाम है रजनीकांत। यानी 21 को और किसी का भाई किसी की जान होगी तो 28 को PS2 होगी, लेकिन एक हफ्ते पहले यानी 21 से एक हफ्ते पहले 14 अप्रैल को होने वाली है रजनीकांत की जेलर, यानी सलमान खान की मूवी दोनों तरफ से फंस चुकी है। सलमान खान को न तो प्री वीकेंड मिलेगा न एक्सटेंडेड वीकेंड मिलेगा। इसके अलावा सलमान खान की मूवी साउथ में तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज साउथ में जब रजनीकांत आएगा, PS2 आएंगी, तब कौन देखेगा सलमान खान की किसी का भाई किसी का जान, बिकॉज वो मूवी ऑलरेडी साउथ की फिल्मों की रीमेक है, तो साउथ की ऑडियंस के लिए उसमें कोई नया मसाला है भी नहीं। प्लस सलमान खान की वो ऑडियंस वहाँ पर नहीं है जो ऐश्वर्या राय की है, मणिरत्नम की है, रजनीकांत की है। तो ऐसे में सलमान खान के पास आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कुआं के तौर पर PS2 है, खाई के तौर पर जेलर है, और यहाँ पर सलमान खान को किसी का भाई किसी का जान को लिमिटेड विंडो में परफॉर्मेंस करानी पड़ेगी, अदरवाइज उनको कलेक्शंस के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। निहायत तौर पर सलमान खान के लिए बुरी खबर है। अब देखते हैं टाइगर 3 को लेकर कोई और बंदा अनाउंस ना कर दे ताकि वहाँ भी विंडो उनकी और श्रिंक हो जाए। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।